दोस्तों ये जो गांव है यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आप पास में तो 1, 2, 3, 4 फार्म हैं और ये 2 फार्म हैं यहाँ पे देखेंगे, और जगह जगह फार्म बने हैं वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर भी फार्मिंग हो रही है। तो इस क्षेत्र में जो है फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा सर, कंपनी के हिसाब से 1 डेज से जो 40 डेज होते हैं या 35 डेज होते हैं जी, इसमें चिक्स किस तरह से फीड खाते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला हमारा होगा डेट, ये है डेट जी, ये है एज जी, ये है एज, ये है मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी परसेंटेज, यहाँ पे निकाला गया है 0.0114% है ये मोर्टेलिटी। और इसके बाद में इसमें आपका आता है स्टैंडर्ड जो एक्चुअल होता है और स्टैंडर्ड होता है वो फीड। तो फीड स्टैंडर्ड जो हमारा फीड है वो है हमारा, जैसे कि पहले दिन हमारा बर्ड जो खाएगा फीड वो 14 ग्राम खाएगा कंपनी के हिसाब से जी, पर जो एक्चुअल खाया है वो हमारा कितना खाया है 12 ग्राम खाया है। इसके बाद फिर 16 ग्राम मतलब फीड खाना चाहिए कंपनी के हिसाब से दूसरे दिन सर, सेकेंड डे में, पर उसने खाया है 18 ग्राम, यानी यहाँ 2 ग्राम फीड बढ़ गया है। इसके बाद में अब 20 ग्राम यानी 20 ग्राम खाना चाहिए, फिर भी उसने खाया कितना 18 ग्राम सर, तीसरे दिन जी, थर्ड डे में डे भी बताते रहिए सर, थर्ड डे में सर। अब इसी तरीके से अगर कोई भी फार्मर भाई अगर नया है तो वो अपना एक आइडिया लगा ले सर, चौथे दिन कितना खाया, चौथे दिन आप बर्ड जो है ये बता रहे हैं 22 ग्राम उसको खाना चाहिए कंपनी के हिसाब से या अपने वेट के हिसाब से, पर वो खा रहा है 24 ग्राम। फिर 25वें दिन भी वो 24 ग्राम खा रहा है, पाँचवें दिन भी 24 ग्राम खा रहा है। इसके बाद 27 ग्राम खाना चाहिए उसको कौन से दिन में, छठे दिन में खाना चाहिए उसको 27 ग्राम, फिर भी वो 24 ग्राम खा रहा है। तो ये अपने मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बर्ड कितना दाना खा रहा है। इसमें सर अभी बर्ड आपके फार्म में कितने दिन का है सर, 21 दिन तक आप बता दें सर, 21 दिन से देखिए। तो यहाँ हम लास्ट के 2 दिन आपको बता रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा 20वें दिन में बर्ड ने खाया 98 ग्राम मतलब उसको खाना चाहिए, पर उसने केवल बर्ड सारे बर्ड ने मिलकर खाया 77 ग्राम, 77 ग्राम के हिसाब से मतलब खाया एक बर्ड 77 ग्राम दाना खा रहा है, उसको खाना चाहिए 98 ग्राम जी। और फिर हमारा 21वां दिन जो आता है उसमें बर्ड को खाना चाहिए 103 ग्राम दाना, पर वो खा रहा है अभी भी 77 ग्राम। तो इस तरह से हमारा जो FCR जा रहा है वो 1.23 के हिसाब से जा रहा है। अच्छा, मतलब इसमें मोर्टेलिटी कितनी हुई 21वें दिन तक? नहीं, मोर्टेलिटी तो अलग चीज़ हो गई, मोर्टेलिटी तो जितना भी हुआ है कोई वायरल आएगा बीमारी वो तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। और दाना खाए की चीज़ और गर्मी है, ठंडी है तो भूख से ज़्यादा दाना खाई है, और गर्मी है तो भूख से 10-5 ग्राम दाना कम खाए हमेशा, ये किसान का अनुभव है। तो कंपनी का ये बुक होता है दोस्तों, और इसी से जो है जिस तरह से वो दाना खाते हैं या फीड खाते हैं उसको नोट किया जाता है यहाँ पे। अच्छा सर, कम ज़्यादा से कोई प्रभाव पड़ता है बर्ड्स पे क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अब मान लीजिए कम दाना खा रहा है तो वेट भी तो कम लेगा वो तो जाहिर सी बात है, और इसके बाद में जब पानी भी कम पिएगा जिस रेशियो में हमारा दाना खा रहा है बर्ड, उसका 3 गुना पानी पीना ही चाहिए बर्ड को, नहीं तो क्या होगा कि बर्ड में बहुत सारी बीमारियां आने लगेंगी, जैसे कि इकोलाई हो गया, पानी कम पिएगा तो इकोलाई आना 100% गाउट भी आएगा, बहुत सारी बीमारियां हैं मतलब जो आना शुरू हो जाएंगी। आपका फार्म एक बार सर देखना चाहेंगे अंदर से? जी जी, आप चलिए आओ। कितने दिन के हैं सर? आज 20 दिन के। 20 दिन के। अच्छा, इनका वेट बहुत कम है क्योंकि आज 20वां दिन है। वेट देखिए बुक के हिसाब से ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ, बुक के हिसाब से परफेक्ट है, 1 ग्राम ज्यादा है। अच्छा, बुक के हिसाब से ज्यादा है। वेट लेते हैं 30 दिन के 25 दिन के बाद जी। दाना अच्छा 2000 का है आपका, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या? इसकी लंबाई चौड़ाई है 25 बाई 60।
25x60। तो दोस्तों एक बार बुक के हिसाब से आपको अभी कितने दिन के हैं सर? 20 दिन के हैं, 900 ग्राम के हैं। तो बुक के हिसाब से आपको 20 दिन तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ठीक से। तो दोस्तों ये कंपनी का बुक है, अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं तो भी इसी तरह से जो है फीड खाना चाहिए एक बर्ड्स को, एक बॉयलर चिक्स को। और अभी 6 दिन तक अजय जी ने बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ अगर 7वां दिन है बर्ड्स का तो उसे खाना चाहिए 31 ग्राम फीड, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा है आप देख रहे हैं। और उसके बाद 8वें दिन यहाँ पे देखेंगे, 8वें दिन जो है 37 ग्राम खाना चाहिए लेकिन 36 ग्राम खा रहा है। 9वें दिन 41 ग्राम खाना चाहिए लेकिन 48 ग्राम खा रहा है। और 10वें दिन 46 ग्राम खाना चाहिए, 48 ग्राम खा रहा है। 11वें दिन 51 ग्राम खाना चाहिए, 60 ग्राम खा रहा है। और 12वें दिन 55 ग्राम खाना चाहिए, 61 ग्राम खा रहा है। और यहाँ 13वें दिन की बात करें तो यहाँ पे 60 ग्राम खाना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो एक चिक्स है वो 61 ग्राम खा रहा है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी गलती हो गई है शायद। और यहाँ पे 14वें दिन 65 ग्राम खाना चाहिए, 61 ग्राम बर्ड्स जो है फीड खा रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 15वें दिन 70 ग्राम खाना चाहिए, 75 ग्राम खा रहा है फीड। 16वें दिन 75 ग्राम खाना चाहिए और 76 ग्राम खा रहा है। 17वें दिन 81 ग्राम खाना चाहिए, 77 ग्राम खा रहा है। 17वें दिन 88 ग्राम खाना चाहिए, 77 ग्राम खा रहा है। और 19वें दिन 92 ग्राम खाना चाहिए, 77 ग्राम खा रहा है। और 20वें दिन 96 ग्राम खाना चाहिए, 77 ग्राम खा रहा है। 21वें दिन 103 ग्राम खाना चाहिए, 77 ग्राम खा रहा है। तो इस तरह से अभी जो बर्ड्स इसमें हैं इस पोल्ट्री फार्म में वो हैं 21 दिन के। तो 21 दिन तक नोट किया गया है। और जब फीड कम खाता है तो बॉडी वेट भी कम होने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह जो है कंपनी का एक मानक होता है कि इस तरह से अगर बर्ड फीड खाता है तो उसका जो बॉडी वेट है वो उसी तरह से आता है, 2 किलो प्लस, 2 kg प्लस। तो अब आते हैं दोस्तों बॉडी वेट पे 1 डे से। और अभी जो है जितने दिन के बर्ड्स हैं, जी 21 डेज के बर्ड्स हैं, तो इतने दिन के बर्ड्स में किस तरह से बॉडी वेट आता है सर, बताएं इसमें किस तरह से? जैसे कि अभी एक दिन का जब हमारा चूजा आता है जी, तो उसका जो वेट होता है जी वो होना चाहिए हमारा 56 ग्राम। जी ये आप दिखाइए, 56 ग्राम होना चाहिए सर जी। इसी हिसाब से जैसे कि जितना बॉडी वेट आता जाएगा डे बाय डे बढ़ता जाता है ये जी। तो अभी हमारा 21 डेज हो गया है जी, 21 डेज में हमारा बॉडी वेट जो है 849 जी, 849 ग्राम का जी, 849 ग्राम का होना चाहिए। इसके बारे में बता दे रहा हूँ सर, अगर एक दिन का है तो 56 ग्राम का होना चाहिए, 2 दिन का है तो 80 ग्राम का जी सर, 3 दिन का है तो 90 ग्राम का, और 4 दिन का है तो 107 ग्राम का, 5 दिन का है 129 ग्राम का, 6 दिन का है 155 ग्राम का, 7 दिन का है 186 ग्राम का, 8 दिन का है तो भी 218 ग्राम का। ये सर 8 दिन का, हाँ 8 दिन का है तो 218 ग्राम का, 9 दिन का है 253 ग्राम का, 10 दिन का है 286 ग्राम का, 11 दिन का है 321 ग्राम का, 12 दिन का है 361 ग्राम का, 13 दिन का है 410 ग्राम का, और 14 दिन का है तो 455 ग्राम का। इसके बाद और इसके बाद यहाँ पे कितने दिन का हुआ सर? 15 दिन का। अगर 15 दिन का आपका बर्ड्स है तो 508 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, 16वें दिन 569 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, 17वें दिन 628 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, 18वें दिन 678 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, और 19वें दिन 736 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, 20वें दिन 789 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए, 21वें दिन 849 ग्राम का उसका वेट होना चाहिए जी। और अभी जो हमारा एक्चुअल वेट आ रहा है सर वो है 825 ग्राम। और 22वें दिन दोस्तों यहाँ पे 895 का, 23वें दिन 957 ग्राम का, और 24वें दिन 1025 ग्राम का, 25वें दिन 1095 ग्राम का, 26वें दिन 1167 ग्राम का, 27वें दिन 1240 ग्राम का, 28वें दिन 1314 ग्राम का, और फिर यहाँ 29वें दिन 1371 ग्राम का, 30वें दिन 1445 ग्राम का, 31वें दिन 1530 ग्राम का, 32वें दिन 1605 ग्राम का, 33वें दिन 1677 ग्राम का, और 34वें दिन 1762 ग्राम का, 35वें दिन 1835 ग्राम का, और 36वें दिन आपका जो वेट होना चाहिए वो 1917 ग्राम का, 38वें दिन 2 किलो
2 किलो 2 ग्राम का वेट होना चाहिए 37वें दिन, और 38वें दिन 2 किलो 72 ग्राम का, 39वें दिन 2 किलो 154 ग्राम का, 2154 ग्राम का, और 40 दिन में आपका जो बर्ड्स का वेट होना चाहिए वो 2225 ग्राम का, और 41वें दिन अगर आप बर्ड्स को 41 दिन तक रखते हैं तो 2281 ग्राम का, 42वें दिन 2350 ग्राम का, और अगर 43 दिन तक बर्ड्स हैं तो 2410 ग्राम का, और 44 दिन तक हैं तो 2471 ग्राम का। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 2 किलो 500 ग्राम के आसपास, क्यों सर? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बॉडी वेट काफ़ी अच्छा, अगर कंपनी के मानक के हिसाब से देखा जाए जी सर, जी। तो बॉडी वेट अच्छा, अच्छा दोस्तों सर एक मिनट बता दूँ, उसके बाद आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं जी सर। 45वें दिन आप देख रहे हैं दोस्तों 2537 ग्राम का जी, और 46वें दिन 2618 ग्राम का, 47वें दिन 2683 ग्राम का, 48वें दिन 2762 ग्राम का, 49वें दिन 2 किलो 843 ग्राम का जी सर। सर इस तरह से अगर मानक के हिसाब से अगर फार्मर काम कर रहे हैं जी सर, तो उनके जो फार्म में जो बर्ड्स का वेट है काफ़ी अच्छा जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन जो सर एक्चुअल है जी, जैसे कि मान लीजिए जब हमारा 40 डेज क्रॉस हो जाता है जी, उसके बाद में होता क्या है कि काफ़ी किसान लोग नहीं रोकते हैं उस बर्ड को, क्योंकि अच्छा कंपनी का मानक भी होता है 40 डेज तक जी सर, 37 या 38 या 40 दिनों में 40 दिन बस सर लिफ्टिंग हो जाती है जी 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 जी। तो उसके बाद में अगर हम रखते हैं तो अपने रिस्क पे रखते हैं जी, जो कंपनी फार्मर्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना खुद का फार्मिंग होता अच्छा, है मेरा। इस मानक को सर प्राइवेट वाले भी फॉलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर इसी मानक के हिसाब से प्राइवेट फार्मर अगर चलेगा जी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम होगा। जैसे कि मान लीजिए सर अभी मैं इस मानक के हिसाब से ही मैं फीडिंग कराता हूँ अपने बर्ड को, इसलिए मेरा अभी जो पिछला लॉट लिफ्टिंग हुआ है उसमें 2 किलो 200 ग्राम आया जी मात्र 41वें दिन में, क्योंकि सर 41वें दिन के लास्ट डे में मेरी लिफ्टिंग हुई थी, उसमें 2 किलो 200 ग्राम का वेट आया था। तो इस तरह से अगर बुक के हिसाब से मान लीजिए आपके पास बुक नहीं है और आप नए हैं, नए फार्मर हैं, आपको आइडिया नहीं कि कितना दाना खिलाना चाहिए, तो वो किसी भी अदर जगह जहाँ पे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है उनके पास चले जाएँ, उनका जो बुक होता है उनसे कहें कि भैया आप हमें अपनी बुक दे दीजिए जो कंपनी का है, उस बुक को बुक की एक आप फोटो ले लें, और उस फोटो में आपको हर एक चीज़ दी जाती है जो कंपनी का मानक होता है जी। उसके हिसाब से अगर आप फीडिंग कराएंगे उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट होगा, जाहिर सी बात है सर ब्रॉयलर फार्मिंग में अच्छा खासा इनकम होता है। दोस्तों ये था पोल्ट्री मानक, किस तरह से जो है डे बाय डे बर्ड्स का ग्रोथ होता है और वो किस तरह से फीड खाते हैं। और अजय जी ने मुझसे कहा कि सर आपको नए पोल्ट्री फार्म पे लेकर चलते हैं और उस गांव में जो है आपको पोल्ट्री फार्म दिखाते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा लगता है जब अजय जी के साथ में मैं वीडियो शूट करता हूं, क्योंकि नई नई चीज़ें जो है मुझे सीखनी पड़ती है, मैं भी सीखता हूं। बहुत ही अच्छा लगता है नए नए फार्मरों से मिलके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।